हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो आज का ये वीडियो है कि लंदन में आएँ तो क्या देखें, कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, मेन अट्रैक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे पीछे देख पाएंगे आप वो है टावर ब्रिज, जिसे हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत बार लंदन ब्रिज कहते हैं, बट दिस इज़ टावर ब्रिज। इसके बाद लंदन टावर है, इसके पास में थोड़ा सा आप आगे एक कैसल है वो देख सकते हैं, एक स्कूप एक जगह है वो देख सकते हैं, शार्ट टावर्स हैं यहाँ के, जो होटल है यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस उसे देख सकते हैं, कुछ और बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें कुछ ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, वर्क प्लेसेस हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं उसे देख सकते हैं, और ये है फेमस रिवर यहाँ की जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ मिलियंस ऑफ लोग आते हैं। आई थिंक ड्यू टू कोविड नहीं आ पा रहे पिछले 2 सालों से, बट अभी कोई कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिल रही हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर विदाउट मास्क। मैं लगा लेता हूँ जब भी क्राउडेड एरिया में जाता हूँ, अभी यहाँ थोड़ा सा हटाया हुआ। ये है थेम्स रिवर, ये आप देख पा रहे हैं, ये है थेम्स रिवर, काफ़ी क्लीन रिवर है। कुछ फेरीज, कुछ बोट्स इसमें चलती हुई आपको दिखेंगी, जो आप आगे देखेंगे जा रही हैं, यस। और एक ओल्ड शिप यहाँ खड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं HMS बेलफास्ट, ये इनका ओल्ड वॉर टाइम शिप है जो इन्होंने यहाँ पानी में पार्क किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लोग इसे विज़िट करने जाते हैं। और नदी पे जाना तो हम सबको ही अच्छा लगता है, चाहे हम किसी भी देश से हैं, हमें भी इंडिया में बनारस जाना बहुत अच्छा लगता है, घाट पर जाना, नाव की सवारी। अगर आप इलाहाबाद साइड से आते हैं तो संगम जाना, वहाँ पर अच्छा लगता है, बहुत सारे पक्षी यहाँ भी, कुछ बहुत ही एक दो मात्रा में कुछ पक्षी दिख रहे हैं, ठंडा वेदर है तो मे बी उस वजह से कम है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्राइट लग रहा है दोस्तों। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो आप लंदन ब्रिज, वेस्टमिंस्टर, वाटरलू, किसी भी स्टेशन की ट्यूब ले सकते हैं, आप ऑयस्टर कार्ड बनवा सकते हैं जिससे घूमना आसान हो जाएगा, या ऑन स्पॉट टिकट भी आप ले सकते हैं अगर आपके कार्ड में नेट बैंकिंग ऑन है, या कैश पे करना चाहें किसी भी माध्यम से, बहुत आसान रहता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत इजी हैं। और कैसे आएँ मैंने आपको बताया, आप जहाँ पर भी रुके हुए हैं, आपके होटल से, आपके BNB से, वहाँ से आप इजीली एक ट्रेन ट्यूब ले सकते हैं, और फिर वॉकिंग थोड़ा आना पड़ेगा। UK में ज़्यादातर लोग वॉक करते हैं, ज़्यादातर प्लेसेस पे वॉक करना पड़ता है। तो ये है टावर ब्रिज, ये ओपन भी हो जाता है जब यहाँ शिप आता है तो इसको ओपन कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, हमने कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ का एरिया दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों से रूबरू करा रहा हूँ किस तरह से लोग वॉक कर रहे हैं। आज यहाँ मैं अकेला था तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना लेते हैं, कैसा लगता है लंदन आके, और बिल्कुल जैसे हमें अपने बनारस के घाट के पास लगता है, प्रयागराज में संगम जाके लगता है, उसी तरह से हमें यहाँ के गोमती जाके लगता है, ठीक है, साबरमती जाके लगता है, उसी तरह से हमें यहाँ भी लगता है। बहुत अच्छा लगता है, नदी के पास लोग घूमते हुए, बच्चे खुश होते हुए, आज थोड़ी धूप भी अच्छी निकली है, फेरी भी ले सकते हैं जो इस आपको पूरा एक टूर करा देती है पूरे प्लेस का, और बहुत पॉजिटिव सा लगता है खुश लोगों को देख के। तो ये वीडियो था इसी के बारे में, कोई सवाल हो आपके, कुछ पूछना चाहते हो आप मुझसे तो ज़रूर पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और आई एम हैप्पी टू आंसर। बहुत अच्छा लगेगा आप जब भी आते हैं UK टूर पे लंदन देखने के लिए, तो यहाँ ज़रूर आएँ। HMS बेलफास्ट, एक जगह है स्कूप, टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज, कुछ आसपास म्यूजियम्स हैं यहाँ, जैसे हैरी पॉटर म्यूज़ियम, इनका हिस्ट्री म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम, वो भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम है। एक फेरी ज़रूर लें आप लंदन आई से बैठे हैं उसमें, और थेम्स रिवर में एक फेरी ज़रूर लें तो बड़ा मज़ा आता है, एक पूरा चक्कर थेम्स रिवर का, जिसमें वो बताते भी हैं पूरे प्लेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, देख के विज़िट करके काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर आप डबल डेकर बस भी देख सकते हैं इनकी, वो भी दिख रही है। तो ये है हमारा लंदन का टूर आज का, आगे भी और वीडियोस हम पोस्ट करेंगे कि UK आए, लंदन आए तो कैसे घूमें, कहाँ कहाँ जाएं, क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ, ठंड बहुत है तो अच्छी सी मोटी जैकेट,
अगर आप अपनी कंट्री से ला रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ आके फ़र्स्ट चीज़ वो ले लें ताकि ठंड ना लगे, आपको ठंड से बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियंस हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, आजकल यहाँ भी बहुत लोग वीगन हैं, वेजिटेरियन हैं, बहुत आसानी से आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। अगर एग खाते हैं तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं है, अगर एग नहीं खाते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट में सर्च करना पड़ेगा, सबवे जा सकते हैं, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे और वेस्टर्न रेस्टोरेंट हैं जहाँ प्योर वेजिटेरियन फूड, फ्रूट्स, सैलड सब अवेलेबल है। और कोई भी आपके सवाल हों ज़रूर मुझसे पूछें। थैंक यू।